मंच पर विराजमान हमको अपने अपना आशीर्वाद देने आए हमारे अलवर से सांसद नाथ संप्रदाय के हमारे श्रेष्ठ गद्दी नशीन स्थलगोल स्वामी बालरंगा जी महाराज, सोहना विधानसभा के हमारे वर्तमान प्रत्याशी कुंवर संजय सिंह जी, पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष भाई भूपेंद्र चौहान जी, वर्तमान में हमारे विधायक भाई तेजपाल तंवर जी, हरियाणा विधानसभा में डिप्टी स्पीकर कभी रहे हमारे वरिष्ठ नेता श्री गोपीनाथ गहलोत जी, गुरुग्राम जिला परिषद के चेयरमैन श्री कल्याण सिंह चौहान जी, इस विधानसभा के प्रभारी भाई गुलाब चंद सिंगला जी, विधानसभा के संयोजक श्री महेश दायमा जी, तावड़ों के हमारे बहुत श्रेष्ठ नेता जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, ऐसे बाबू रविंद्र गुप्ता जी, श्री बल्लू पहलवान जी सरपंच, बल्लू खटाना जी सरपंच, श्री सुखी चेयरमैन जी, धर्मवीर डागर जी, जिला महामंत्री श्री अनिल गंडास जी, प्रदेश के हमारे प्रवक्ता श्री सूरजपाल अम्मू जी, किसान मोर्चा के हमारे अध्यक्ष भाई संदीप राघव जी, सभा में उपस्थित हमारे सभी अन्य नेतागण, उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, आदरणीय बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, जैसे अपने को पता है कि हरियाणा विधानसभा के चुनाव का डंका बज गया है। 2014 में आज से 5 साल पहले हरियाणा की जनता ने पहली बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया था और बहुमत प्राप्त करके हम लोगों ने पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी। निश्चित रूप से आपका भी उसमें योगदान था। पांच साल हमने सरकार चलाई, 48 साल हरियाणा जब से बना तब से कुछ दूसरी पार्टियों ने सरकारें चलाई, अपने अपने बहुमत से चलाई, कभी कभी मिली जुली सरकारें भी चलाई। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप लोग 48 सालों का राजकाज का सिस्टम और इस 5 साल के राजकाज का सिस्टम, इसकी तुलना अवश्य करें। जब आप तुलना करेंगे तब आपको ध्यान में आएगा कि राजकाज का सिस्टम होता क्या है। आज से पहले सरकारें जो चलती थी वो सत्ता को भोगने के लिए चलती थी, कि सत्ता को अपने व्यक्तिगत हित के लिए, बेटे बेटी, पोते पोती, दोते दोती, भाई भतीजे, साले जीजे, कैसे उनके घर भरे जाए, ये उनका एक मकसद होता था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी ने करवट ली है, चाहे देश में चाहे इस प्रदेश में, नरेंद्र मोदी जी ने 5 साल पहले कहा था, वाक्य छोटा है, देश पहले मैं बाद में, देश पहले मैं बाद में। और जो हमारे आज विपक्षी दल हैं, जो पहले सत्ता में थे, वो कहते हैं मैं पहले, देश जाए बाद में। ये उस प्रकार की बातें कहते थे। उनको कोई चिंता देश की कभी नहीं हुई, देश की बजाय अपने घर परिवार को भरना ये उनका काम था। भ्रष्टाचार का निरा गोल वाला था, बड़े बड़े किस्से हो गए,
उनको भुगतने के लिए अब सब लाइन में लगे हुए हैं, कोई जेल में चले तो जेल में जाने के लिए तैयार है। हम देश को सामान्य भूमि का टुकड़ा नहीं मानते, हम अपने देश को क्या मानते हैं, क्या मानते हैं, हम भारत माता मानते हैं। हमारे ही इसी जिले के एक प्रत्याशी ने गुड़गांव में स्टेटमेंट दी, बहुत वायरल हुई वो ऑडियो वीडियो, उनका कि यहां भारत माता की जय नहीं चलेगी, या तो सोनिया माता की जय चलेगी, या तो उनका नाम कटारिया क्या, हाँ किस कटारिया की जय चलेगी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जय चलेगी। वो अपने नेताओं से बाहर निकल ही नहीं पाए, और नेताओं का जो हाल है वो आपको पता है, नेताओं की कोई सोच नहीं है देश के बारे में, जिधर की हवा देखते हैं उधर ही घूम जाते हैं। इस देश की पार्लियामेंट ने नरेंद्र मोदी जी, हमारे गृहमंत्री अमित शाह जी, उन दोनों की सोच क्या रही कि देश की एकता अखंडता बननी चाहिए, कश्मीर को इस देश का एक अखंड भाग बनाना है, तो इसमें जो आड़े आया हुआ नासूर है वो है अनुच्छेद 370। इस 370 को हटाने के लिए हम पिछले 70 साल से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन मौका आया तो हमने अपनी सरकार के आने के बाद 370 विधायकों के, सांसदों के साइन करा करके और इस 370 को निष्प्रभावी करने का काम कर दिया। जब यह हो गया, हमने विधानसभा में संयोग से विधानसभा का सत्र चल रहा था, उसी दिन पता लगा कि आज ऐसा एक बिल पेश हुआ है, हमने वहां धन्यवाद का प्रस्ताव ज्ञापित कर दिया, सदन को कहते इसको पारित करो, और फटाफट सब लोग कहने लगे इंक्लूडिंग भूपेंद्र सिंह हुड्डा कि हम भी चाहते हैं 370 खत्म होना चाहिए, हम भी चाहते हैं 370 खत्म होना चाहिए। अरे भाई, इतने साल से सोए हुए थे, ये 370 खत्म करने के लिए आप कांग्रेस में एक प्रस्ताव पहले भी पारित करवा सकते थे, आप 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे हो और एक बड़े नेता में कांग्रेस के नाते आपकी भूमिका थी। हां, थोड़ा थोड़ा कांग्रेस से नाराज थे, हमें लगा शायद कांग्रेस के ऊपर दबाव बनाने के लिए उन्होंने कह दिया कि 370 हटनी चाहिए, मैं इस हक में हूं, शायद एक पैतरा पार्टी में खेल गए हो, लेकिन जब समय बदला और उनको पार्टी में भूमिका मिली तो हम आज भी कहते हैं उस दिन कोई बात नहीं, आज आप प्रस्ताव पारित करा दो, आज तो आपकी अपनी नेतृत्व की सोनिया माता आपके साथ ताल से ताल मिलाने वाली है, आज कह दो ना।